बस ये जो मुंतकिल करना है इनको गवर्नमेंट को, इनका प्रपोजल जो है उस लिहाज से हमने ये इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसी में सबू ने हिस्सा लिया है, जो इसमें है ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिसमें मिनी फेडरेशन है, जिसमें जो बाजार कमेटी बटमाल में है, जो बाकी जो बटमाल जहाँ जनरल बस्ती में ट्रेडर्स हैं उनका है। हमारा डिमांड ये है अगर बास्टियन को अपनी जगह, इसकी पोजीशन, ये जो शहर है इससे खत्म हो जाएगा। अगर इसको शहर से उठाएंगे गांव में फेंकेगा, इसकी जो शहरियत है वो शहरियत इससे खत्म हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं सब हर एक की जो जहाँ ये बटमाली बस्तियन में एक निजी चल रहा है बाजार कमेटी, बाकी जो कैडर्स हैं लाखों लोग इससे बेघर हो जाएगा। लिहाजा हम इंसाफ चाहते हैं। हम बेरोजगारी, गवर्नमेंट बार बार बोलते हैं बेरोजगारी कम करेगी, लेकिन हम अपना मजदूरी करते हैं, अगर उससे भी हमें यह छुटकारा नहीं देगा तो हम मजबूर हैं सड़कों पर आने के लिए। अगर बस्तियों के खिलाफ कुछ ऐसा कदम उठा है तो हम एकजुट होकर सब सड़कों पर खड़ा कर गाड़ी उठाए सड़क भारत मिशन के तहत जो 2009 में हमारे क्वालिफाइड जवानों को तैनात किया गया है एक स्कीम के तहत, और 2012 से इन लोगों को कोई तनख्वाह नहीं मिला है, न इनके मुस्तकबल के बारे में, उनकी मुस्तकिली के बारे में सरकार ने कोई फैसला किया है। और आज मुझे अफसोस का मुकाम है, इस बात पे अफसोस है कि इस वक्त सरकारी एजुकेशन के अकाउंट में 33 करोड़ रुपए जमा है, इनके तनख्वाह पर सिर्फ 22 करोड़ रुपए खर्चा आता है, और सरकारी एजुकेशन उनके तनख्वाह को रिलीज करने में लेतलाल से काम लेता है। मैं आपके माध्यम से यहाँ के सरकार तक ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी स्कीम, मरकजी स्कीम यहाँ पर लागू की गई है, यहाँ के ह्यूमन रिसोर्स को उसमें इस्तेमाल किया गया, हम किसी भी कीमत पर ह्यूमन रिसोर्स को इस्तेमाल करके फैलने की इजाजत नहीं देती। पहले एक बार उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अफसोस के साथ कहना पड़ता था कि यहाँ एक हमारी बहन, उसके साथ पुलिस ने ज्यादती की है, वो प्रेग्नेंट थी, उसका बच्चा मर गया है, ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उसके खिलाफ हम ह्यूमन राइट्स इदारे में केस दायर करना चाहते हैं। और आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है और यहाँ से ये प्रोटेस्ट निकलेगा और रेडियो कश्मीर की तरफ हम मार्च करेंगे के बाद, क्योंकि अब तो छुट्टी है 5-6 दिन, ईद का मामला है, रमजान का मामला है, क्योंकि रमजान में आपको पता है सबने रोजे रखे हैं। ईद के बाद हमारा जो इस बारे में जो हमारा फैसला होगा वो सख्त गिर फैसला होगा, इससे सख्त तरीन प्रोग्राम होगा, और जब तक सरकार टर्म एंड कंडीशन को पूरा नहीं करेगी तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। हमारा काम है एहतजाज करना, जुजियात करना, और अल्लाह के हाथ में फैसला है, लेकिन तब तक हम चैन से न खुद बैठेंगे न रियासती सरकार को बैठने दे देंगे जब तक उनके नौजवानों के मुस्तकबिल के बारे में सोचेंगे।